ये मेरे शाही टुकड़े का लुक आया है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को पूरा फॉलो कर दें। आ जाएं देखें बहुत प्यार से भीगे हुए दूध में इंतहाई शीरे में डिप हुए हुए शाही टुकड़े कैसे बनाए मैंने। आ जाएं, आ जाएं, चलें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आ जाएं यार, फॉलो करते हैं रेसिपी को। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। मैं बनाने जा रही हूँ आज मेहरान से शाही टुकड़ा मिक्स, ठीक है। बहुत आसानी से बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ वो भी बताती हूँ आपको। इसके लिए मैंने 7 से 8 ये ले लिए इस तरह से, ये लार्ज साइज़ की ब्रेड थी, ठीक है। इसको इस तरह से काट लिया है, एजेस काट दिए और इस तरह कर लिया है। बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँगी, कम तेल घी में बनाऊँगी, बहुत अच्छे से बनाऊँगी, आप देखते जाएँ, बस आ जाएँ, मैं बताती हूँ आपको। 1 लीटर दूध ले लिया है, ठीक है। इसको इसमें डालेंगे, फिर आपको आगे बताती हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, मेहरान वालों का ही हम शाही टुकड़ा मिक्स इसमें पूरा ऐड कर देंगे, ठीक है, दूध गर्म होने के बाद, ठीक है। अब इसको हम पकाएंगे, ठीक है, थोड़ी देर, फिर बताती हूँ। 10 मिनट्स इसको देंगे पकने के लिए, ठीक है। और इधर आ जाएं, ब्रेड के साथ क्या करते हैं वो भी आपको सिखाती हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा बना रही हूँ, ये डाइटिंग वाले लोग भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा है, आराम से सुकून से, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें कुछ मेवेजात भी पड़े हुए हैं, और 10 मिनट इसको देंगे, फिर उसके बाद इतनी देर में हम लोग ब्रेड रेडी करते हैं, ठीक है। क्या करती हूँ, ये बटर ले लिया मैंने, ठीक है, अच्छा वाला लूलपूल टाइप सा, आप अच्छा वाला कोई सा भी बटर ले सकती हैं, अपनी मर्जी का कोई भी जो हो आपके पास यूज़ करती हो बटर वो ले लें आप, ठीक है। इसमें बटर हल्का सा लगाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पे भी बटर लगाएंगे हम हल्का सा, बहुत प्यारी खुशबू आती है इससे, और ब्रेड जो होती है काफ़ी अच्छी हो जाती है। बजाय अभी मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, बस आप ये देखती जाएँ कि इसको मैं क्या करूँगी। ये बटर लगा रही हूँ मैं इसको, फिर आपको समझ आएगा जब मैं पूरा बताऊँगी, ठीक है। ये मैं बटर लगाती हूँ अच्छी तरह, इसको प्यार भरे अंदाज में यहाँ बटर लगाएंगे पूरा, ठीक है, यूँ आपकी मर्ज़ी है। आप स्लाइटली लगाना चाहते हैं तो स्लाइटली लगाएं, अच्छा वाला लगाना चाहते हैं तो अच्छा वाला लगाएं। महाराज, ये सारी ब्रेड्स को हम बटर लगाएंगे यूँ आगे और पीछे करके, और फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ब्रेड्स पे बटर लग चुका है, आजू बाजू यानी कि ऊपर भी और नीचे भी बटर लगा दिया है, दोनों साइड्स पे, ठीक है, बोथ साइड पे बटर लगा चुके हैं। अब आ जाएं तवे की तरफ, आपको बताते हैं, बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, आप देखें बहुत प्यार से ये ब्रेड लगी हुई हैं, इधर रखेंगे और इधर रखेंगे, ठीक है। आराम आराम से पहले इनको हम बोथ साइड को गोल्डन करेंगे, और आराम से बहुत मोहब्बत के साथ, जब वन साइड हो जाएगी गोल्डन तो सेकंड साइड करेंगे, ठीक है। हल्का हल्का उठा के देखते रहेंगे कि हमारा ये बिल्कुल से जले ना। बहुत प्यारा बटर की खुशबू आ रही है, बहुत, मतलब आप जिस मेहमान के आगे रखेंगी वो बस खाता जाएगा, इतना मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बहुत आराम से दोनों साइडों को गोल्डन करेंगे, और प्लेट में उतारती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि कितना प्यारा लुक आया है। अभी आप रुकिए, मेरे साथ ही रहेगा। ये देखें, इस तरह की गोल्डन कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको उतार लीजिएगा, तमाम को ऐसे ही गोल्डन करती हूँ और फिर उतारती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जब तक पक रहा है हमने क्या करना है, देखिए यूं करके रखना है, ठीक है, ताकि हमारे अच्छे वाले पीसेस ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए, क्योंकि हमें पता है कि शॉर्ट पड़ता है, तो हमने ज़रा ज़्यादा ही पीस लिए हैं, क्योंकि हमें पता है हम क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये कम हो जाता है चाहे जितना भी बनाएं, क्योंकि सब इतनी तारीफें करके खाते हैं, माशाल्लाह सबको इतना अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो कम पीसेस लीजिएगा, आप चाहें तो ज़्यादा पीसेस ले लीजिएगा, ठीक है, हम इतने ही पीसेस लेंगे, ठीक है। हम इसको सजा रहे हैं इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये इतने मज़े का होता है कि खाने वाला बस आपकी जो है वो शक्ल जो है वो उस वक्त देखेगा नहीं, लेकिन बाद में आपको इतना चूमेगा जिसकी कोई इंतहा नहीं, बहुत प्यार मिलेगा आपको, ठीक है। ये लें, अच्छा थोड़ा सा मेवा इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ट्रे आप देख लीजिएगा, ट्रे आपकी इसी तरह हो, ठीक है, ना कम गहरी हो ना वो हो, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि दूध होता है थोड़ा सा और हमें इसको पिलाना होता है ब्रेड को, ठीक है। अब मैं दूध लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हमारा दूध आ गया, 15 से 20 मिनट इसको लगे और ये तैयार हो गया था। इसको रफ्ता रफ्ता यूं पोर करेंगे,
ये अभी थोड़ा आपको पतला लग रहा है, बाद में ये, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ ना, मुझे पता है ये बाद में इतना गाढ़ा हो जाएगा। और ये इससे आपके ब्रेड जो है टूटने से भी महफूज रहेंगे। अच्छा, इसको 20 मिनट तक मचुइएगा और बाद में आप जो है इसमें ये ड्राई फ्रूट रह गए थोड़े से जो पड़े हुए थे ये भी उतार लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, चाहे तो आप इसके ऊपर क्रीम लगा दें और चाहे तो आप इसके ऊपर यूं करके ये मेवा डालें, ठीक है। इसकी शक्ल आएगी तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद, ठीक है। ब्रेड अपने आप को पी लेगी इसमें दूध को पूरा, और फिर ब्रेड से लबरेज जो है वो मिल्की दूध जो होगा शीर खुरमे वाला, चीर टुकड़े वाला, वो आपको मिलेगा बहुत मज़े से। और बहुत मज़े का होता है ये वाकई शॉर्ट हो जाता है, इतना मज़े का होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी देर में इसका लुक दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरा लुक आया है, 10 मिनट बीत चुके हैं, ठीक है। अब ये दूध हल्का सा ठंडा हो चुका है, ब्रेड्स ने दूध को जितना पीना था वो पी चुकी है। अब मैं फ्रिज में जहाँ बर्फ़ नहीं होती, यहाँ पे जहाँ ठंडा पानी रखा जाता है, जहाँ ठंडा पानी की बोतलें रखी जाती हैं, हम लोग गर्मियों में ठंडे पानी की बोतलें रखते हैं, वहाँ जाके रखूँगी 20 से 25 मिनट के लिए। तो क्या होगा, दूध इसको और डिजॉल्व करेगा, फिर ये यूँ करके उठाएंगे हम और जब ये खाएंगे तो मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा इसका लुक क्या है। और अगर देखिए मैं इस तरह से रखती थोड़ा सा यूँ पड़ा हुआ तो ये तो थोड़ा सा, तो ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, ये शाही टुकड़ा तो क्या ये फ़कीरी टुकड़ा भी नहीं लगेगा, सॉरी आप बुरा मत मानिएगा, ये फ़कीरी टुकड़ा भी नहीं लगेगा, इसको कहते हैं शाही टुकड़ा। ये जो दूध में भीगा हुआ होता है ना, ये बादशाह सलामतों की ये खुराक होती थी पहले, इनको कहते थे दूध में भीगा हुआ टुकड़ा होता था, इसको शाही टुकड़े का नाम दे दिया गया है। असल डेफिनेशन मैं आपको इसकी बताती हूँ, ये तो इन्होंने फ़कीरी टुकड़े बना दिए, जैसे कि ब्रेड को उठा के ऐसे ही रख दिया दोस्तों, ठीक है ना। अगर मेरी बात पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ये है असली शाही टुकड़ा, चांदी का वरक लगा के ऊपर मेवेजात पड़े हुए होते थे, उनके ब्रेड उनकी भीगी हुई होती थी, दूध से लबरेज होते थे वो लोग मीठे में, तो वो लोग ये हरकतें करते थे इसलिए कि वो शाह होते थे, उन्हें जूती पहनाने वाला भी नहीं मिलता था तो फरार भी नहीं हो पाते थे, वो तो वहीं पे उनका काम तमाम हो जाता था। तो ठीक है, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।